रीवा की, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के मार्गदर्शन में अमहिया थाना प्रभारी को बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है ट्रैफिक थाने में पदस्थ सोनी वीरेन सिंह ऊपर ड्यूटी के दौरान पीछे से हमला करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनी वीरेन सिंह की रिपोर्ट पर थाना अमहिया में अपराध क्रमांक 292/22, 353, 332, 186, 294 और 34 IPC की धारा अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमर सिंह उर्फ लकी सिंह, पिता अर्जुन सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी अमहिया, जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह, पिता अयोध्या सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी नरेंद्र नगर शामिल हैं। बताया जाता है कि पहले के तुरंत बाद जैसे ही सोनी वीरेन सिंह कुछ समझ पाते, उक्त दोनों आरोपी वहां से भाग गए थे। कार्यवाही में थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल, आर विनोद चतुर्वेदी, आर पीयूष मिश्रा, आर मकरध्वज तिवारी, आर विक्रम वर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सर, यातायात में पदस्थ ASI वीरेन सिंह के ऊपर सिरमौर चौराहे में कुछ लोगों ने हमला किया, क्या असर पूरा हुआ? कल वीरेन सिंह ASI यातायात की ड्यूटी थी सिरमौर चौराहे पे, वो सिरमौर चौराहे पे रोड व्यवस्था कर रहे थे। इसी दौरान दो लोग बाइक से निकले और उन्होंने जो है ASI पर बिना वजह हमला किया और भाग गया वहाँ से। फुटेज के माध्यम से उन्हें ट्रेस किया गया और आज उनको पकड़ा गया है। एक का नाम लकी सिंह है, दूसरे का नाम जीतू सिंह है। तो दोनों जो है उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, ये लकी सिंह के ऊपर पुराने ही अपराधी बहुत सारे, इनका जो इतिहास है उसकी छानबीन की गई है, तो पुराने दो प्रकरण मारपीट के लकी सिंह के विरुद्ध हैं। इसे भी जो है हम लोगों ने न्यायालय के संज्ञान में लाया।